गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आई एम विजेंद्र कुमार, मैथ टीचर फ्रॉम सूरज सीनियर सेकेंडरी स्कूल महेंद्रगढ़. स्टूडेंट्स, आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो आपका होगा आर एस अग्रवाल बुक से, एक्सरसाइज 11C. उसका क्वेश्चन क्या है कि ABCD एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है जिसके एंगल CAB एंड CBD गिवन है. ठीक है, तो आपके पास जो एंगल गिवन है वो है एंगल DBC. DBC इज इक्वल टू 60 एंड एंगल BAC इज इक्वल टू 40 डिग्री. ये गिवन है. फाइंड क्या करना है आपने, फाइंड करना है एंगल BCD सेकंड एंगल CAD. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है. तो इसने क्या बोला है कि इस डायग्राम के अंदर ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. अब इसके सॉल्यूशन में क्या स्टार्ट करेंगे, आपके पास जो गिवन है ये टू एंगल गिवन है. ABCD साइक्लिक है. साइक्लिक का मतलब जिसके चारों जो पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर हो. और प्रॉपर्टी क्या होगी साइक्लिक क्वाड्रेंट की, कि अपोजिट जो एंगल है उनका सम 180 होगा. तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, देखो आपको जो एंगल गिवन है वो एंगल कौन से है आपने पहले तो निकालना है BCD. तो BCD, ठीक है, BCD मीन्स आपको ये एंगल कंप्लीट फाइंड करना है कितना है. इसके लिए आप क्या देखेंगे, आपके पास एक ट्रायंगल बन रही है BDC. अगर इस BDC ट्रायंगल का एक एंगल हमारे पास गिवन हो गया, एक एंगल अगर हम और फाइंड कर ले तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, जिसमें से टू एंगल हमारे पास आ जाएंगे, थर्ड हम फाइंड कर लेंगे. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें ये एंगल फाइंड करने से पहले इसका ये एंगल फाइंड करना होगा. अब जो एंगल फाइंड करना है उस एंगल का इसके साथ रिलेशन है, इस एंगल का रिलेशन इस एंगल के साथ भी है. कैसे है, देखो BC एक कोण है, BC एक कोण है, BC C से यानी एंगल ये बन रहा है, BC कोण बना रही है. ऐसे ही BC C से ये एंगल बन रहा है, BC कोण बना रही है. आपके पास थ्योरम है, एक आपकी प्रॉपर्टी है क्या, कि कोण या आर्क मेक इक्वल एंगल इन ए सेगमेंट, सेम सेगमेंट या इन ए सेगमेंट, एक कोण है वो सेम सेगमेंट में इक्वल एंगल बना. तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, BC इज कोण, BC क्या है, कोण है. सो बीसी कोण मेक एंगल BAC एंड BDC, एंगल BDC इन सेम सेगमेंट, इन सेम सेगमेंट. ठीक है, सेम सेगमेंट में एंगल बनाती है. सो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC और इज इक्वल टू 40. अब इन ट्रायंगल
अब किस ट्रायंगल में ले लेंगे, इन ट्रायंगल बीडीसी, इन ट्रायंगल बीडीसी तीनों एंगल का सम यानी एंगल 60 प्लस 40 प्लस जो हमें फाइंड करना है बीसीडी, एंगल बीसीडी इज इक्वल टू 180, सो एंगल बीसीडी इज इक्वल टू 180 माइनस 100 यानी 80 डिग्री। ठीक है, तो जो आपका बीसीडी एंगल कितना आ गया 80 डिग्री। सेकंड पार्ट, एंगल सीएडी, सीएडी ये फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो सीएडी को बनाने वाला कौन, सीएडी कौन बना रहा है सीएडी, तो सी से और डी से, बीडीसी एंगल कौन बना रहा है सी से और डी से, तो क्या करेंगे डीसी कोर्ड, डीसी कोर्ड मेक एंगल बी डी सी, सॉरी मेक एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी या सी ए डी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो कितना बनेगा ये 60 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा, सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट, सो एंगल सी ए डी, सी ए डी इज इक्वल टू 60 डिग्री, सो हमारा एंगल सी ए डी कितना आ गया 60 डिग्री। एंड एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 80 डिग्री। क्लियर, नाउ आई रिपीट अगेन, ये आपके पास एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रेंट था, इसके टू एंगल गिवन है, एंगल डीबीसी इज इक्वल टू 60, एंगल बीएसी इज इक्वल टू 40, फाइंड करना है एंगल बीसीडी एंड एंगल सीएडी। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, बीसी इज ए कोर्ड, बीसी कोर्ड मेक एंगल, बीसी कोर्ड मेक एंगल बीएसी एंड एंगल बीडीसी, बीडीसी इज इक्वल टू 40 डिग्री, सेम सेगमेंट एंगल, इन सेम सेगमेंट। नाउ इन ट्रायंगल बीडीसी दिस टू एंगल 60 और 40, सो इन ट्रायंगल डी बीडीसी थ्री एंगल्स का सम कितना होगा 180, सो 60 प्लस 40 प्लस बीसीडी इज इक्वल टू 180, सो एंगल बीसीडी इज इक्वल टू 180 माइनस 100 इज इक्वल टू 80, तो आपका जो बीसीडी एंगल कितना आ गया 80। नाउ सेकंड पार्ट, कोर्ड डीसी मेक एंगल डीबीसी एंड एंगल सीएडी इन सेम सेगमेंट, सो डीसी इज कोर्ड मेक एंगल डीबीसी एंड डीएसी और सीएडी इज इक्वल टू 60। रीजन सेम सेगमेंट एंगल, सो एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 60, एंगल सी ए डी आपका कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने जो प्रॉपर्टी यूज की है, जो थ्योरम यूज की है, वो क्या है कि किसी भी कोर्ड और आर्क के द्वारा सेम सेगमेंट में बनाए गए एंगल इक्वल होते हैं,
इन ए सेगमेंट और सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट में किसी भी कोण के द्वारा और आर्क के द्वारा बनाए गए एंगल इक्वल होते हैं। तो ये थ्योरम के बेस के ऊपर आपका क्वेश्चन था। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।